हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। तो आज हम काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं राइड पे। मेरे साथ है केतव, है इरफान भाई, है और समीर भी आ रहा है कुछ ही देर में। हम पार्किंग अभी वेट कर रहे हैं और बॉम्ब सा व्लॉग बनेगा आज। वीडियो में बने रहे, चलते हैं राइड पे। तो ये रही मेरी एंटॉर्क, वो केतव की एंटॉर्क, और वो रही KTM की न्यू RC 200। ज़बरदस्त सेक्सी। तो गाइस आगे जा रही है KTM और एंटॉर्क, और मेरी वाली एंटॉर्क। तो भाई रोड की हालत काफी ज्यादा खराब है यार। डस्ट देख सकते हो, आते ही डस्ट आ। तो रोड में स्लिप हो गया पूरे में, तो आराम से चलना पड़ेगा यार। पूरा पानी डाल दिया, ओ स्लिपरी हो गया पूरा। ये है डेडली रोड, ऊपर से पत्थर चलते हैं, नीचे स्किट देख सकते हो कितना ज़्यादा स्लिप हो गया। ज़्यादा ही पानी डाल दिया, या तो पानी नहीं डालते हैं या तो काफ़ी ज़्यादा डाल देते हैं। यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, और एक और आगे जगह आती है जहाँ पे पत्थर गिरते हैं। आई होप कि वहाँ पे भी पत्थर नहीं गिर रहे। वैसे गाइस रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यार। एक बार और इस रोड पे लुक डालने की ज़रूरत है। लुक से कम एक महीना तो निकल जाता है अच्छे से। ये वाला रोड देख सकते हो, बस वहाँ पे दो तीन जगह पे थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी तो रोड काफी सेक्सी है यार। ये पल्सर वाला भी क्या कट्स मार रहा है, जबरदस्त जबरदस्त। तो यहाँ से ऊपर गया कॉलेज का रोड, अब हमारा कॉलेज नहीं रहा कभी था। तो यहाँ पे आगे पुल के आगे वेट करते हैं उनका। वहाँ पे मुश्किल ही जाने देंगे, शायद जाने देंगे। पहले जितनी बार आए हैं उतनी बार तो जाने दिया है, बट इस बार क्या पता जाने दें या नहीं जाने दें। कोई कुछ बोला ही नहीं। तो
मैं बड़ी देर के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, ये तो आते रहते हैं, वो सामने पहाड़ देख लीजिए गाइस। केतव क्या कर रहा है इधर पे? समीर क्या कर रहा है? केतव समीर गाइस, ये देख सकते, ये देखिए कितना सही पुल है यार, ये चेक कीजिए गाइस। खाली जंप आ रहे हैं, और आगे माउंटेन और ये पुल, ओ जबरदस्त जबरदस्त। तो गाइस ये देख सकते हैं चनाब, और यहाँ पीछे डैम है, और व्यू देख सकते हो क्या जबरदस्त व्यू। काश मैत्रा वाला पुल भी इतना बड़ा होता तो मजा आ जाता। तो केटीएम वाला भाई पता नहीं कहाँ चले गया, आगे ऊपर चले गया, यहाँ पे उसका वेट करते हैं। और ये चेक कीजिए लंबे लंबे पहाड़, वो ऊपर रोड कितना रिस्की है। वहाँ पे भी गया हूँ मैं पहले शिवम सिंह वाले चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा वो देख सकते हो। और वो पुराना वाला पुल है जो कि बंद है पहले, अब तो ये वाला है। तो गाइज ये है हमारे पास KTM के न्यू RC 200, और दो एंटॉक लगे हैं सामने, और साइड से देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी KTM की। और लोकेशन चेक कीजिए गाइज ज़बरदस्त, और नीचे चनाब है, पीछे डैम है, और ये पुल भी इतना खतरनाक है ना, जब कोई गाड़ी चलती ना यहाँ पे, ये टीन पूरे हिलता है लोहे का। और साइड से चेक कीजिए KTM वगैरह, दूसरी साइड से मैं दिखा लेता हूँ KTM, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। तो बैठ के देखते हैं KTM पे, और इसका स्पीडोमीटर ऑन करते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रही है। वो स्पीडोमीटर देख सकते हैं, ABS ऑन हो चुका है, टाइम वगैरह भी दिख रहा है, किल स्विच है यहाँ पे, पूरा शो कर रहा है, स्टार्ट स्टैंड नीचे। तो गाइस ओहो, तो गाइस KTM की पोजीशन, स्टैंड को ऊपर करते हैं, तो गाइस KTM पे काफ़ी ज़्यादा अंदर पाँव रखना पड़ता है। गाइस अभी हम KTM की न्यू RC 200 चला रहे हैं, फ्यूल रेंज भी दिखा रहा है 60 किलोमीटर, और लोकेशन चेक कर दीजिए आप कितनी ज़बरदस्त लोकेशन पे हम चला रहे हैं KTM RC 200। थोड़ा सा राइड लेके आते हैं, और भागती है तभी तो रेसिंग मशीन नाम है इसका। ओ यार ज़बरदस्त, थोड़ा सा और भगाते हैं KTM को, जबरदस्त गाइस जबरदस्त, और व्यू चेक कीजिए आप जबरदस्त। ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, ऐसे भी किसी की बाइक ज्यादा भगानी नहीं चाहिए। तो गाइस KTM भाग दी तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और इसका हैंडल है ना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप हैंडल को रोटेट करते हो। और यहीं पे आगे समीर भाई भी, तो यहीं पे पार करते हैं KTM। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वहीं पे है वो है? वो वहीं पे है, चलो रेस लगी एंटॉर के साथ, ज़्यादा तो नहीं खींचने वाला हूँ इसको,
क्योंकि इस किसी की बाइक पे ज़्यादा तेज़ नहीं चलना चाहिए यार। आपने यहाँ भी नहीं, हो भाई भागती है ये तो। भाई कैसी लगी? जबरदस्त जबरदस्त भाई। मैं अभी तक हमने भी राइड नहीं की और हम भी चेक करते हैं भाई कैसी है, क्या क्या मैं बाइक में क्या नहीं। तो गाइस बाइक जबरदस्त है यार, फुल पावर, पूरा जैसा रेडी टू रेस, बिल्कुल आरसी 200 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है यार। इसमें 125 भी आती है और 390, तो फिर उसकी बात ही मत कर दीजिए। 390 जो आमिर भाई के पास, आमिर माजिद के पास, और ज़बरदस्त है जैसा लिखा है रेडी टू रेस, ज़बरदस्त। और टेल लाइट देखिए आप, ज़बरदस्त पूरी की पूरी बाइक ज़बरदस्त है। केतव राइड ले रहा है, आप आगे से देख सकते हैं, आगे से लुक काफ़ी लोगों को पसंद आती है, काफ़ियों को नहीं आती है। तो गाइज आगे से लुक देख सकते हैं आप इसकी ज़बरदस्त है, और लाइट ऑन करना है तो दिन में दिखेगी नहीं, पहले DRL देखिए और आप देख सकते हैं इसकी लाइट तो दिखती ही नहीं, LED नज़र ही नहीं आती है। और मैं आपको टेल लाइट दिखा लेता हूँ एक बार, तो टेल लाइट देख सकते हैं आप, ब्रेक दबाना ब्रेक, वो देखो क्या ज़बरदस्त है यार, ज़बरदस्त। और टायर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मोटा है, KTM, और ये ग्रिल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार। देख सकते हो क्या जबरदस्त है यार, नीचे रिवर, ओ माय गॉड, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चेक कीजिए आप वो सामने पहाड़ और माता का मंदिर, जाए माता दी, और ये पुल देख चेक कीजिए गाइस। और मौसम भी काफ़ी तगड़ा हो चुका है यहाँ पे, उतनी गर्मी है नहीं क्योंकि पानी के पास, रिवर के पास ऐसे भी ठंडी हवा चलती रहती है। तो निकलते हैं यहाँ से, ठोक दूं गाइस, ठोक दूं, ठोक दूं, ठोक दूं, ठोक दूं, ठोक दूं। ठीक, किस तरफ? एक मिनट, भागते हुए एंटॉर्क भी KTM से कम नहीं है, लेकिन KTM तो KTM है ना, कहाँ 125 cc और कहाँ 200 cc गाइस। अरे यार खड्डे हैं यार बीच बीच में, देख सकते आप यो। तो भाई चलते हो अब चंद्रकोट से वापस, अच्छी मार्केट है वैसे चंद्रकोट की भी जबरदस्त। भाई मेरी स्कूटी अभी 92.1 पे चल रही है, और ये तो सोच लो फिर कितने में चल पाओगा। दवाई दवाई सीन है यार, रोड के रोड को इसी तरह बनाने लगे हैं। भाई 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 दवाई सीन है, और ये ट्रॉपा वाला नीचे की जगह ऊपर से आ रहा है, वो सीन रोडों का यही सीन रहता है, रामन वाला नीचे वाले ऊपर से जाते हैं, ऊपर वाले नीचे से जाते हैं, यही सीन तो खराब है गाइस।
हाँ देख सकते हो मिट्टी वगैरह गिर के आती है, कहीं कहीं पे रेत गिरी रहती है, कहीं पे बजरी, कहीं पे मिट्टी, और कहीं पे एकदम से रोड अच्छा ना और एकदम से बड़ा फटा आ जाए, बस उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है जब भी थोड़ा बंदा स्पीड में हो, क्योंकि फिर एकदम से स्किड हो जाएगी। और राइडिंग गियर वगैरह तो कुछ है ही नहीं, हमको लगे हुए बाजू वगैरह टूट जाते हैं। जाने का मन नहीं करता क्योंकि वहां पे गिरते हैं पत्थर बड़े बड़े, तो वहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और ट्रैफिक वाले अंकल डंडा लेके खेतों के साथ रेस लग चुकी है गंदी वाली, अब नहीं जाने देता मैं इसको आगे, फुल थ्रॉटल दबा के रखा है मैंने। तो इतना तेज नहीं चलना सही यार, ऐसे ही कभी कभी ओ आहिस्ता भाई आहिस्ता, ओ ये क्या कर रहा है भाई, सीन कर रहा है भाई, सीन आहिस्ता ब्रो। इंडिकेटर बड़े जबरदस्त है यार केतव के, दिन को तो उतने मतलब दिखते नहीं इंडिकेटर, बट रात को क्या जबरदस्त लगते होंगे इमेजिन कर सकते हैं आप। ओ वाह 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 वाह, ये क्या था वैसे। अरे यार अब इधर से रामन पहुंचते हुए हो जानी है बुरी हालत, आ जाओ अपनी माँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नए वाले टनल का काम लगा हुआ है, वो देख सकते हो, बस क्या पता कब तक कंप्लीट होगा, होगा भी या नहीं होगा, और कंप्लीट तो हो जाएगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो देखना पड़ेगा यार, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पत्थर गिरता है। आ गया पत्थर वाला एरिया, बस ये जगह रामन वाले किसी बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं हो रही। यहाँ पे भी काम लगा हुआ वैसे, फ्लाई ओवर टाइप के टनल टाइप के बन रही, यहाँ पे ये टनल निकलेगा फिर यहाँ से आके टनल फ्लाई ओवर टनल फ्लाई ओवर, बस यही चलते रहेगा। नीचे देखो जनाब, सोच सकते हो गाइस कितना ज्यादा रिस्की रोड है यार, ये देखो ओह स्किट मार रही है स्कूटी यार, पूरा स्किट मारा अभी इसने, कौन चले इस रोड पे। तो ये क्या हुआ, शायद से जाम वगैरह लग गया, यहाँ पे बिस्किट इतना ज्यादा पानी डाल दिए, कीचड़ कीचड़ हो गई है। नीचे देख सकते हैं और सामने मैत्रा पार्क, मैच निकालते हैं अब यहाँ से कीचड़ में से। ये क्या कर रहे हैं भाई,
पंगा हो गया, पंगा हो गया, पंगा हो गया। भाई ये कहाँ पे जा रहा था, चलते हैं अब आगे। तो गाइस वो रॉन्ग साइड से आ रहा था और उनका झगड़ा हो रहा था, बस यही है कि अच्छी बात ही है कि लड़ाई वगैरह नहीं हुई साथ, और टक्कर वगैरह नहीं बजी, किसी को लगी वगैरह नहीं, तो ये अच्छी बात है। बाकी करते हैं यहीं पे ब्लॉग एंड वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।